देखिए मुझे ना डिटेक्टिव नटवर लाल से मिलना है। देखिए मैडम, नटवर लाल सिर्फ गोरी और सुंदर लड़कियों से मिलता है, और आप गोरी भी हो और सुंदर भी हो, तो वो आपसे मिलेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है। मेरा ना एक बॉयफ्रेंड है। अरे ये तो मेरी प्रॉब्लम है। क्या आपका एक बॉयफ्रेंड है? आप बकवास कर रहे हैं। देखिए मैं आपको केस देने से पहले आपके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो डार्लिंग? मुझे ये बताइए कि आप जासूसी कब से कर रहे हैं? जासूसी तो मैडम मैं बचपन से कर रहा हूँ। अरे मेरे मम्मी डैडी तो कहते थे कि जासूसी के वक्त कि जासूसी मत कर बेटा, सो जा, लेकिन मैं सोता नहीं था, मैं जासूसी करता था। बस एक दिन मैंने उन कंबख्तों की बात मान ली और टाइम पर सो गया। मेरी आधी जायदाद मेरे हाथ से निकल गई और मेरा भाई पैदा हो गया। आप जब जासूसी करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टूल है क्या? देखिए सबसे जरूरी है कैमरा, क्योंकि जासूसी के धंधे में ना आपके दुश्मन बड़े बन जाते हैं, तो आपका मर्डर किसी भी वक्त हो सकता है। तो क्या कैमरे में मैं अपनी फोटो खींच कर रखता हूँ कि कल को कुछ हो जाए तो भाई फोटो लगाने के लिए फोटो तो हो, एकदम लेटेस्ट फोटो मिलनी चाहिए ना स्माइल के साथ। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? अगर आपके पास मर्डर केस आ जाए तो आप क्या करते हैं? तो ये मर्डर के केस में मैं क्या करता हूँ, जिस चीज से मर्डर हुआ है, जैसे गन हो गई या नाइफ हो गया, तो मैं इस पे से पहले फिंगरप्रिंट निकाल लेता हूँ और ज्योतिष को दिखाता हूँ कि भाई इसके जेल योग है या नहीं है। अगर जेल योग होता है तो उसको पकड़ता हूँ, नहीं होता है तो फिर काय को टाइम पास करे उसके पीछा करके भाई। काय को